व्यूअर्स, द पॉलिसी टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में प्रोटेस्ट में हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे दो आता है। पहला सवाल, वो प्रोटेस्ट में क्यों है? दूसरा सवाल, काफ़ी दिन से अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? तो अभी जो इनका, अरविंद केजरीवाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के ऑफिस में प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो प्रोटेस्ट में हैं। काफ़ी दिन से केजरीवाल ये क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस ऑफिसर्स प्रोटेस्ट में हैं। कुछ दिन पहले आईएएस ऑफिसर्स के ग्रुप ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट में नहीं है, हम जैसे दिल्ली में रेगुलर काम कर रहे हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं, इवन हम वीकेंड्स में भी काम करते हैं। तो ये टसल क्यों आया? तो इसकी अगर गहराई पे जाने की हम कोशिश करें तो देखते हैं कि काफ़ी दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली को एक फुल स्टेट बनाने के पीछे कैंपेन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अगर हम देखें, दिल्ली एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है, इसको दिल्ली को एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी माना जाता है, और यहाँ का जो मेन गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली या अलग अलग तरीके से कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप देखें, दिल्ली के जो तीन मेन बॉडीज़ हैं, एक है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA कहते हैं, दिल्ली पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये तीन जो अलग अलग प्राइमरी बॉडीज़ हैं दिल्ली के, उसकी कंट्रोल किसका है वो अगर हम देखें तो DDA दिल्ली की पूरी लैंड और हाउसिंग कंट्रोल करती है, उनकी कंस्ट्रक्शन से लेके डेवलपमेंट से लेके सब कुछ देखती है, और वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर देखती है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो दिल्ली के जो जितने भी MCDs हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। यानी दिल्ली सरकार अगर इन तीन मुद्दे पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। यही केजरीवाल का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि केजरीवाल जब भी कोशिश करता है, जैसे कोई अगर सपोज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई रेप केस है, क्योंकि दिल्ली में ये बहुत कॉमन होता है, कोई क्राइम केस हो रहे हैं, तो यहाँ केजरीवाल यानी हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया उसके इसमें कोई हाथ ही नहीं है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। ये बाकी स्टेट में से कहीं काफ़ी अलग है। बाकी स्टेट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल रहती है। और अगर थोड़ा सा और कंपैरिजन देखें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी स्टेट के गवर्नर में काफ़ी फ़र्क है, और ये फ़र्क तब और ज़्यादा क्लियर हुआ जब रिसेंटली 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली में ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है, दिल्ली सरकार से भी ऊपर पावर है इसका। तो ये क्लैरिफाई किया, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी और क्रिएट किया कि फिर दिल्ली में एक इलेक्टेड सरकार बनाने की ज़रूरत क्या है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही ज़्यादा पावर है। तो हम इसको तीन चार मुद्दे पे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज केजरीवाल के साथ आता है, हम लोग हमेशा देखते हैं केजरीवाल बहुत ज़्यादा भौखला जाते हैं मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने आ जाते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो कितना हद तक सही है और क्यों वो करता है? और ये करता इसीलिए है क्योंकि दिल्ली जैसे शहर का या दिल्ली जैसे एक सिटी स्टेट का वो एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बहुत सारे गवर्नेंस एंड पॉलिसी अफेयर्स में उसका कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए वो बहुत हद तक बौखला जाता है बहुत इशूज़ में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग इक्वल रोल है। जैसे LG बाकी स्टेट में तो गवर्नर सिर्फ एक सेरिमोनियल पावर होते हैं, लेकिन दिल्ली में जो LG होते हैं वो एकदम एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा उसको रिपोर्ट करते हैं। तो दूसरा जो चीज़, सबसे बड़ा जो चैलेंज है केजरीवाल का, क्यों चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा पावर देनी चाहिए या स्टेट इलेक्टेड सरकार को ज़्यादा पावर देनी चाहिए या दिल्ली को क्यों एक फुल स्टेट बनाना चाहिए, उसका ये आता है, इंडिया की कोई भी आप स्टेट उठा लीजिए वहाँ पे स्टेट
गवर्नमेंट का कंप्लीट ऑटोनोमी होती है कि ब्यूरोक्रेट्स यानी जो एग्जीक्यूटिव कैडर वो खुद सिलेक्ट करते हैं यानी चूज करते हैं अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स सिलेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं और अपने तरीके से, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यानी वो सारे ब्यूरोक्रेट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है एक स्टेट को चलाने का, एक स्टेट में मशीनरी को चलाने का। अगर वहाँ पे कौन ऑफिसर काम करेंगे उस पे इलेक्टेड सरकार का कोई हक ही नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो कैडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे और उनके बात पे काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमेशा हम देखते हैं कि क्योंकि एलजी का बहुत ज़्यादा पावर है, चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा, तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच हमेशा टसल होते रहते हैं, हमेशा एक टेंशन वाला माहौल रहता है। और उससे भी ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ निकल के आता है वो है ब्लेम गेम, कि दिल्ली के आम आदमी तो सोचते हैं कि दिल्ली में अगर कोई इशू है तो वो चीफ मिनिस्टर सॉल्व करेंगे, लेकिन जब दिल्ली के आम आदमी, आम नागरिक को पता ही नहीं है कि एक्चुअली ज़्यादातर पावर एलजी के हाथ में है और एलजी कहीं पे भी पब्लिक के सामने अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक के सामने पब्लिक जानते ही नहीं है कि एलजी के पास क्या पावर है और कैसे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो मसला है कि ये जो दिल्ली को फुल एक स्टेट बनाना कोई केजरीवाल का पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले जो भी सरकार आए हैं दिल्ली में, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली चलाने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वो यही लेके आते हैं कि हम अगर पावर में आएं तो हम दिल्ली को एक फुल स्टेट के तौर पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बीजेपी जब अपने कैंपेन किया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ये प्रमोट किया कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम दिल्ली को एक फुल स्टेट के दर्जा देंगे। फिर कांग्रेस जब पावर में थे, इवन शीला दीक्षित जो दिल्ली में काफ़ी साल रूल की, तो जब इनिशियल फेज में वो देखा कि सेंटर में पावर कुछ और है तो वो काफ़ी प्रमोट किए दिल्ली को एक फुल स्टेट बनाने के लिए। बाद में वो जब देखा कि सेंटर में अब कांग्रेस गवर्नमेंट है तो उनका स्टैंड और लूज होता गया, यानी उतना वो सीरियसली उस इशू को नहीं उठाए। केजरीवाल भी अपना कैंपेन उसी मुद्दे पे शुरू किए थे कि दिल्ली को एक फुल स्टेट बनाया जाए। और आज शायद केजरीवाल के लिए ये मुद्दा और भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने वाला है, तो उस पे केजरीवाल के सामने इससे बड़ा मुद्दा और कुछ हो नहीं सकता। और दिल्ली की हर कोई नागरिक चाहेगा कि यहाँ पे एक ऐसा सरकार हो जो अकाउंटेबल हो, जो जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो हर वो चीज़ का, गवर्नेंस हो, पब्लिक पॉलिसी हो या किसी भी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर हो, सरकार अकाउंटेबल रहे। बात अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपैरिजन की भी करें तो बहुत सारे इस तरह से स्टेट्स हैं, दिल्ली जैसे सिटी स्टेट हैं जहाँ पे उनको फुल ऑटोनॉमी नहीं है, जैसे वाशिंगटन डीसी, पेरिस, लंदन, तो इस तरह से जो शहर हैं इनको भी फुल फ्लेज्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट इनके पास नहीं है, लेकिन इनको लोकल गवर्नेंस इशू को चलाने के लिए या लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए या लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ को चलाने के लिए इनके पास फुल ऑटोनॉमी है और फंडिंग सपोर्ट है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल रहना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे जो एम्बेसीज रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उस पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो लेकिन इसका भी बहुत सारा सोल्यूशंस हैं, वो हम बाद में कभी और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसी मुद्दे पे फोकस करते हैं कि केजरीवाल के लिए 2019 के लिए दिल्ली को फुल स्टेट बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है, और अगर ये बन भी जाता है तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट करेंगे या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे उनका क्या मुद्दा हो सकता है 2019 में आने का? अगर एलजी यहां पे केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी लॉस है। आज तक इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल thepolicytimes.com और हम ऐसे ही कोई और एक दूसरे मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।